जो आप नज़ारा देख रहे हैं यहाँ का, ये रेलवे सीधा लाइन अररिया चली जाएगी। और अभी आप देख सकते हैं मिट्टीकरण का पुल बन रहा है और इस पुल के नीचे से होकर रोड गुजर रही है और पुल के ऊपर से होकर जो है रेलवे क्रॉस करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश और आप देख रहे हैं कोसी तक। अभी मैं सुपौल के चैनसिंह पट्टी में हूं। आपको बता दें कि ये जो आप रोड इधर देख रहे हैं, ये पथरा से सिसौनी ये बाईपास रोड है। इधर आप सिसौनी देख सकते हैं, ये जो है आगे जाके आपको सिसौनी बाज़ार में मेन रोड में मिल जाती है, जो कि किशनपुर टू सुपौल जो मेन रोड है वहाँ जाके ये मिल जाती है। और अभी हम लोग चैनसिंह पट्टी में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं यहाँ का, ये रेलवे लाइन बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये रेलवे लाइन है सुपौल टू अररिया और ये जो है एक सुपौल और अररिया वासी के लिए जो है बहुत बड़ी वरदान होने वाली है। क्योंकि दोस्तों ये जो रेल लाइन बन रही है, सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि इधर आपको सुपौल हो गया, यहाँ से लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर सुपौल है। और इधर जो आप देख रहे हैं ये जो लाइन सीधा जा रही है, ये सीधा लाइन अररिया चली जाएगी। और अभी आप देख सकते हैं मिट्टीकरण का कार्य चालू है और इधर साइड में जो है देखिए इधर जो है पत्थर क्रिएटिंग का भी कार्य जो है इधर चालू है। सकते हैं ये जो पत्थर का भी कार्य साइड साइड से चालू है और आगे देख लीजिए क्रिएटिंग का कार्य जो है आगे पूरा हो गया, ताकि इधर बारिश में जो है मिट्टी दह के नीचे नहीं जाए। इसके चलते दोनों साइड से, इधर साइड से भी हम दिखाना चाहेंगे, इधर साइड से भी पत्थर का जो है कार्य चल रहा है, पत्थर क्रिएटिंग का जो है कार्य चल रहा है। देख सकते हैं इधर कंप्लीट हो गया है, पत्थर को जो है पूरा बहुत अच्छा से जो है क्रिएटिंग कर दिया गया है, सजा दिया गया है। और आगे इधर देख सकते हैं आगे भी एक जो है पुल वहां भी बन रहा है। और दोस्तों मिट्टीकरण का कार्य जो है पूर्ण रूप से अभी चालू है और ये जो आप देख रहे हैं ये पुल है, ये ओवर ब्रिज कहा जाएगा, रेलवे ओवर ब्रिज। चूंकि ये जो रोड है सिंगल वन बाय वन रोड है ये, तो इस रोड के कारण जो है यहाँ पुल बन रहा है और इस पुल के नीचे से होकर रोड गुजर रही है और पुल के ऊपर से होकर जो है रेलवे क्रॉस करेगी, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक जो है साइड में यहाँ पे प्लांट भी लगा हुआ है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये जो रेल लाइन है लगभग पिछले 2 साल पहले से इसका कार्य प्रारंभ हुआ है, यानी कि 2019 से लगभग इसका कार्य प्रारंभ है और लगभग 2-3 साल और लगेगा, यानी कि कुल 4 से 5 वर्ष में इस रेलवे लाइन को जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा। और फिर से आपको बता दें कि ये कोसी क्षेत्र के लोगों के लिए और सुपौल वासी अररिया वासी दोनों के लिए एक बहुत बड़ी जो है वरदान साबित होने वाला है इस रेलवे को बन जाने के बाद जो है। और बता दें कि सुपौल से अररिया के बीच जो है कुल 12 रेलवे प्लेटफॉर्म, छोटी बड़ी 12 रेलवे स्टेशन का निर्माण होगा, जो कि बहुत ही सहूलियत होगी यहां के लोगों को जगह जगह पर से ट्रेन पर चढ़ने के लिए और एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तो दोस्तों ये हमारा प्रयास कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।